करते हैं आपको आज की इंटरेस्टेड वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही एक नहीं बल्कि आप ये कह सकते हो कि 50-60-100 बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रिंग ट्यून आपके लिए लेके आया हूँ। यकीन कीजिए कि अगर आप अपने मोबाइल में ये रिंग ट्यून यूज़ करते हो तो आपका कोई ना कोई दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके आस पास के बाजू के लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये रिंग ट्यून आपने कहाँ से ली है और आप इसको कैसे यूज़ करते हो। मैं भी करना चाहता हूं। 3D रिंग ट्यून्स हैं जो कि काफी जबरदस्त हैं और हर तरह की रिंग ट्यून आपको देखने को मिलती है। तो वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जरफू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जरफू टैग। तो गाइज बात करते हैं कि आप कैसे जो वो यूज़ कर सकोगे रिंग ट्यून को, मतलब 3D रिंग ट्यून को, जिसमें किसी भी तरह का अगर आप साउंड सुनना चाहते हो तो वो आपको देखने को मिलता है। मतलब वॉकिंग साउंड, टाइपिंग साउंड एंड भाग दौड़ का साउंड, उसके बाद गाड़ी साउंड, एनी वन किसी भी तरह का आप जो वो साउंड पसंद करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो वही साउंड आप यूज़ कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आप समझ पाओगे कि आपने कैसे इसको सेट करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, किसी एक कॉन्टैक्ट पे आप कैसे सेंड जो है वो इसको सेट कर सकते हो और ऑल कॉन्टैक्ट पे आप इसको कैसे सेंड करोगे। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ ओपन कर लेते हैं हम अपने प्ले स्टोर को। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइस आपने लिखना है ऊपर 3D साउंड। तो आप यहाँ पे देख सकती हो जो वो आपको ये लागो देखने को मिलता है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त इसमें ट्यून्स दी गई हैं। तो इसी को आपने इंस्टॉल करना है, अदर आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जस्ट इसको ओपन करना है। ओपन करती हो तो आपको ये सारी रिंग ट्यून देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हो एक एक करके आप एक एक रिंग ट्यून जो वो सुन भी सकते हो, जो सुनना चाहते हो, तो जो आपको पसंद है आपने उसी को जो वो ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने एक अलग नंबर पर भी ऐड कर सकते हो, मतलब कोई फेवरेट नंबर पर फेवरेट ट्यून ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से मान लीजिए कि ये 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक आइकन छोटा सा देखने को मिलता है, मतलब एक बंदे का आइकन ही आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट में। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करके एक नंबर पे वो रिंग ट्यून ऐड कर सकते हो। और साथ अगर देखो तो यहाँ पर गाइज आपको एक मैसेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब अगर इस पर क्लिक करके आप अपनी नोटिफिकेशन बार में इस रिंग ट्यून को सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन बार भी यहाँ पे बना है। यहाँ पे मैसेज की अगर बात करें तो जीमेल में जो मैसेज आएंगे वो और नोटिफिकेशन बार में अदर जो नोटिफिकेशन होती हैं आपके मोबाइल में आती रहती हैं, उनमें भी आप एक अलग रिंग ट्यून सेट कर सकते हो। और नीचे कट का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप रिंग ट्यून को यहाँ से कट कर सकते हो। ईजी है, बिल्कुल सिंपल सा है। वीडियो खत्म हो चुकी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना देर से रखे रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।